भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हिंदी समाचार गुरुवार 14 सितंबर 2023 मुख्य समाचार समाचारवाजी का अंतर पुष्टि की गई है। निपा वायरस स्वास्थ्य मंत्री वीणा जोशी ने कहा कि लोगों को सावधान रहना चाहिए। परिवहन मंत्री आंटनी राजू की अध्यक्षता में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र सरकार की नई मोटर वाहन अधिसूचना की गलत व्याख्या कर राज्य में स्टेज कर्ज वाहनों के रूप में कॉन्ट्रैक्ट कर्ज बसों को चलाने पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। आज का सोच विचार है, गांधी ने कहा राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। नवंबर 14 हिंदी दिन है। हमारे पूर्व हिंदी अध्यापक जोसेफ जी और सिसिली मैम इधर उपस्थित है। दोनों श्रेष्ठ आदरणीय गुरुजनों को तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। सौ से ताली बजाकर ये दोनों आदरणीय व्यक्तियों हमारे स्कूल के पूर्व ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദി ദിനാചരണം നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയുടെ പ്രശസ്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. हिंदी हमारा दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे आदरणीय शिक्षकों और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और आसानी से सीख सकते हैं। आज हिंदी दिवस है, सबको 5वीं कक्षा की ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीयों सभी अभियों को मेरा नमस्कार। हमारा देश भारत है, भारत में कई लोग रहते हैं। यहाँ से हम चिंतित अपने पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन गई, राज्यभाषा भी है। हमारे भारत में 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, उनमें हिंदी का प्रथम स्थान है। दक्षिण भारत में 4 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कन्नड़ा और कर्नाटक, ये 4 है। यहाँ संस्कृत मुख्य भाषा है, प्रादेशिक भाषा केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। इस प्रकार हमें कहें तो उत्तर भारत की मुख्य भाषा हिंदी है। यहाँ से 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, 200 से अधिक भाषाएं। उनमें लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आशय विनिमय करते हैं। आज हम हिंदी का दिनाचरण करते हैं। दिनाचरण में हम सोचते हैं उसके समान स्वतंत्रता दिन, आज़ादी का दिन, होली का दिन, इस प्रकार कई दिन हम मनाए जाते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा हिंदी को हम आदरणीय समझते हैं। यहाँ हिंदी पढ़ना हमारा आवश्यक है। भाषा क्या है? हमारे मन में जो भाव है उसको प्रकट करना है। भाषा हम ऐसे समझ सकते हैं। भाषा समझने की 4 विधियां हैं। पहला सुनकर बोलते हैं, दूसरा बोल कर करते हैं, तीसरा लिख कर पढ़ते हैं, चौथा पढ़कर पढ़ते हैं। अब मलयालम में पढ़ने के यहाँ
കേട്ട് പഠിക്കുന്നു, പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നു, എഴുതി പഠിക്കുന്നു, വായിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഈ നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി പഠനശേഖാലാവ് करने के लिए कक्षा के नेताओं सामने आइए. यूपी कक्षाओं के शब्दकोश प्रकाशन अभी चलना है. രണ്ട് വാക്കേ പറയാവുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഏതായാലും നിങ്ങളെ ഇത്രയും വെയിൽ തീർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആദരണീയ പ്രഥമാധ്യാപകജി, ബാക്കി സഫി അധ്യാപക അധ്യാപികവും ഗയർ ശിക്ഷൻ കർമ്മചാരിയും മേരെ പ്യാരെ ബച്ചോ, സബ്സെ പഹലെ മേ ഹിന്ദി ദിവസ് കൈ ശുഭകാമനയെ सभी को. हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है. हमारे देश में कुछ अधिक लोग हिंदी बोलते हैं. महात्मा गांधी जी ने बताया है हिंदी भाषा संसार मानव हृदय की भाषा है. मैं हिंदी महत्व के बारे में सब ने बताया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ. 25 साल के बाद इधर आने का एक अवसर मुझे मिला है. इस मौका देकर मुझे सम्मानित किया. उनके पीछे भाषण समाप्त करता हूँ. अपने राज्य भारत की जय हो, हिंदी की जय हो. सर जी, हमको एक छोटी कविता, एक गीत हम आलापन करने तैयार करने के लिए 8वीं कक्षा के बच्चे यहाँ आए गए, सबको स्वागत करते हो. परिकत परी महान चंडा ऊंजा प्रिय देशाजा परिकत परी महान करतो आम प्रणाम यारा करतो आम प्रणाम करतो आम प्रणाम यारा करतो आम प्रणाम. पहले सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मैं देती हूँ. आज हम हमारे स्कूल में हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाता है. यहाँ सभी बच्चे आए हैं, सब बहुत खुशियाँ में हैं. हम इस अवसर पर हमारे दिवस आचरण करने के लिए हमारे पूर्व अध्यापक यहाँ आए हैं, हमारे प्रधान अध्यापक यहाँ हैं. Thank you.